दोस्तों आज की वीडियो हम उन लोगों के लिए लाए हैं जो गांव में या फिर छोटे शहर में रहकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं। दोस्तों बिजनेस तो सभी करते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को जीरो से हीरो बना देते हैं, एक ब्रांड तैयार कर देते हैं। किसी भी बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसा प्रोसेस तैयार करना पड़ता है जो उस बिजनेस को एक अलग लेवल का बनाता हो। आज मैं उसी प्रोसेस के बारे में बात करूंगा और उसी प्रोसेस की वजह से आप एक दुकान से 10 दुकान तक पहुंच जाएंगे और वो बहुत ही कम दिन होगा जब आपका बिजनेस भी 10 दुकान से 100 दुकान तक पहुंच जाएगा। इस वीडियो की नॉलेज को आप किसी भी बिजनेस में इंप्लीमेंट करके उसे 100 दुकान तक ले जा सकते हैं। देखिए बिजनेस करना यानी कि कुआं खोदना होता है और बिजनेस को लंबी उम्र दे पाना यानी कि हमेशा कुएं में पानी का रहना। और कुछ बिजनेस होते हैं जो शुरू में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन चलते चलते कुछ ही समय में वो सूख जाते हैं। एक कुआं जो गांव में होता है अगर उससे हम पानी ना निकालें या फिर साफ सफाई ना करें तो कुछ ही साल बाद वह सूख जाता है। तो इसी प्रकार अगर आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हैं तो प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। देखिए प्रोसेस को समझने के लिए आपको रामू की कहानी को सुनना पड़ेगा। ये रामू कौन है? एक गांव के लड़के का नाम रामू है। ये रामू अपने गांव के बाज़ार में ठेला लगाता है फास्ट फूड की, जिस ठेले पर वो आलू की टिक्की बेचता है। आलू की टिक्की का दाम 10 रुपये प्लेट है और प्रतिदिन वह 50 प्लेट बेचता है और रोज़ की कमाई उसकी 500 से 600 रुपये होती है। अब इसका यही फंडा चलता रहा और हमेशा से ऐसे 50 से 60 प्लेट बेचता और घर चलाता। लेकिन एक बार ये ऐसे बैठा था तो इसके घर के बगल से एक आइसक्रीम वाला जा रहा था। गर्मी का मौसम था, इसने आइसक्रीम वाले को रोका और बोला, भाई साहब एक आइसक्रीम दे दो। तो फिर आइसक्रीम वाले ने एक आइसक्रीम दे दिया। अब रामू पूछा, कितने पैसे हुए? तो आइसक्रीम वाले ने बोला, 5 रुपये भाई। तो रामू ने सोचा और बोला, भाई साहब आप दिन के कितने रुपये कमा लेते हो? तो उसने कहा, यही 200 से 300। तो रामू ने कहा, सिर्फ इतने ही रुपये? अच्छा तुम्हारा घर कैसे चलता है? अब बात घर की आ गई तो आइसक्रीम वाले ने बोला और उसने कहा, भाई आपको एक राज की बात बताऊं? तो रामू ने कहा, कैसा राज की बात? मैं एक ठेले नहीं चलाता, मेरे 10 ठेले चलते हैं। रामू बोला, 10 ठेले कैसे चलाते हो? तो आइसक्रीम वाले ने बोला, आदमी रखकर उन आदमियों को सब कुछ बता दिया हूँ कैसे क्या करना है। तो रामू की आइसक्रीम तो पिघल गई लेकिन उसके दिमाग की बत्ती जल गई। अब उसे समझ में आ रहा था कि मैं भी कुछ इसी प्रकार से अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना सकता हूँ। रामू ने भी 5 आदमी पकड़ लिए और कैसे आलू की टिक्की बनती है उसका पूरा चार्ट उन 5ों को दे दिया। कितना मसाला डालना है, कितना चटनी डालना है, कैसे तैयार करना है, वो सब कुछ उन 5 लोगों को सिखा दिया। सोचिए वो रामू जो दिन के 500 कमाता था अब वो 2500 कमाता है। अगर महीने का देखेंगे तो 2500 × 30 करेंगे तो 75,000 रुपये महीने होगा। अगर उन 5 लोगों को 5,000 रुपये की सैलरी भी दे देता है तो भी पूरे 50,000 रुपये बचता है उसका। सोचिए जो रामू महीने का 15,000 कमाता था अब वो 50,000 कमाता है। तो ये होता है प्रोसेस का दम। अगर आप प्रोसेस तैयार कर दिए तो आप परिवार के साथ मजे कर रहे हैं और इधर आपकी कमाई बढ़ती जा रही है। देखिए जो प्रोसेस होता है उसे आप हर बिजनेस में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है वह उसी बिजनेस में शामिल होगा जिस बिजनेस में रिपीटेटिव वर्क होगा। मतलब कि जिस बिजनेस में बार बार करने वाला काम होगा। जैसे कि आपने रामू की दुकान का एग्जांपल देख ही लिया। कहते हैं कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए ज़्यादा जंग नहीं लड़नी पड़ती है, जंग तो उसे बड़े बिजनेस में रखने में होती है। अगर आप अपने बिजनेस या फिर दुकान का कोई भी सीक्रेट बातें अगर आप किसी से भी शेयर करते हैं तो आप कितना भी प्रोसेस मॉडल स्ट्रेटजी शामिल कर लीजिए कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आचार्य चाणक्य की नीति भी कहती है, अगर आप अपनी सीक्रेट अपने पास नहीं रख सकते तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, वह भी आपका सीक्रेट नहीं रख पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।